कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा। एक्सीडेंट के बाद से लगातार हमने देखा है कि ऋषभ पंत जो है वो गजब की फॉर्म में है, लेकिन टेस्ट मैच के जब जब भी बात आती है तब तब ऋषभ पंत का नाम लिया जाता है। और ऋषभ पंत ने अपने आप को प्रूव भी किया, और जब टीम इंडिया बहुत ही गंभीर स्थिति में थी, क्योंकि पहले इनिंग में 46 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है और दूसरी इनिंग की बात करें तो विकेट्स गिर जाते हैं। हालांकि ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने 99 रन की पारी खेली, सिर्फ और सिर्फ एक रन से वो चूक गया, अदरवाइज उनका शतक पूरा हो जाता। लेकिन ये खिलाड़ी जो है वो गजब का रिकॉर्ड भी बना चुका है, और WTC के मद्देनजर जो है वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने ये कारनामा किया। आपको बता दें कि ऋषभ पंत जो है वो WTC के मद्देनजर अगर बात की जाए तो पहले खिलाड़ी वो बन गए हैं सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले। लगभग 46 सिक्सेस उनके बल्ले से देखने को मिले हैं, और उनके आसपास कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आता है। तो ऋषभ पंत जो है वो WTC के मद्देनजर सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले जो है वो खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऋषभ पंत जो है उन्होंने 12 साल बाद ऐसा कारनामा किया है। देखिए, 12 साल पहले की बात की जाए तो MS धोनी जो है वो 99 रन पर आउट हो गए थे, और अब 12 साल बाद ऋषभ पंत भी 99 रन पर आउट हुए। आपको बता दें कि ये उनका 12वां अर्धशतक था, और शतकीय पारी की बात की जाए तो 6 शतक वो लगा चुके हैं। अगर एक रन और बना लेते तो MS धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते थे। हालांकि संयुक्त रूप की बात की जाए तो दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज जो है 6-6 शतकीय पारी खेल चुके हैं टेस्ट मैच में। अब देखिए, ऋषभ पंत के साथ ऐसा पहली दफा हुआ है कि वो 99 रन पर आउट हुए, अगर वो एक रन और बना लेते तो उनका शतक पूरा हो जाता। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऋषभ पंत जो है वो सबसे तेज 2500 रन पूरे करने वाले जो है वो पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। 62 पारियों में उन्होंने ये कारनामा किया, इससे पहले MS धोनी ने ये कारनामा किया था, लेकिन MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए अब ये जो कारनामा है वो पंत के नाम जुड़ गया है। पंत जो है वो पहले ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं भारतीय जिन्होंने 62 पारियों में जो है वो अपने 2500 रन पूरे किए टेस्ट मैच में। तो ये प्रदर्शन जो है वो गजब का रहा है। साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि ऋषभ पंत जो है वो उस वक्त आए थे जब टीम इंडिया थोड़ी सी मजबूत स्थिति में थी और कमबैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहां से चेज करना, उस रन को एक तरीके से मैच करना वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन वहां पर सरफराज खान और पंत की जो पार्टनरशिप थी 177 रन की, वो पार्टनरशिप गजब की थी। और तो देखिए, वहां पर सरफराज खान की बात करें तो सरफराज खान का टेस्ट मैच में पहला शतक भी आ चुका है और 150 रन की पारी खेली। यहां पर उन्होंने 195 बॉल पर 18 चौके और 3 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। ऋषभ पंत की बात की जाए तो 99 रन बनाए उन्होंने, 105 बॉल का सामना किया, 9 चौके और 5 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। तो देखिए, ऋषभ पंत और सरफराज खान की इस पार्टनरशिप को लेकर, इस पारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।